ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚੋਰ ਮੇਰੇ ਵੇਚ ਚੋੜੇ ਪੜਾਂ ਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਂਦੀ ਪੀਆਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੱਟਣ ਓਏ ਅੱਲਾ ਸਈਆ ਇਹ ਵਕਤ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੋਈ अस्सलाम वालेकुम हमारी YouTube फैमिली कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजलो करम से हम भी ठीक है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि आपको पता है हम हमने सफ़र किया था, घर आए थे, हमने वो अपने आपसे व्यूअर्स शेयर किया था व्लॉग, तो व्यूअर्स हम घर पहुंच गए माशाल्लाह से। घर में काफ़ी ठीक माशाल्लाह से सफाई तो हुई पड़ी थी। जो मेरी भतीजे जी है माशाल्लाह से उसने मेरे घर को माशाल्लाह से साफ ही रखा, क्योंकि उनको मैं छोड़ के गई थी अपने घर। उन्होंने मेरी बकरियों का भी ख्याल किया और घर का भी ख्याल रखा। भाई असलम आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, वो भाई हमारे घर का ख्याल रखते रहे हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं और कज़न भी हैं मेरे हस्बैंड के। तो व्यूअर्स यही आज का व्लॉग माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनने वाला है, काम करते हैं वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, जो कि आज थोड़ा देर से भी उठी थी क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी बात ये कि बच्चे भी सुबह सुबह आपको पता है उठते हैं तंग करते हैं। यामिन को रात बुखार हो गया था काफ़ी, रक्षे पे ठंड लगी थी। और ये देखिए गया है अब बबलें लेके आ, पता नहीं ये टाफियाँ पता नहीं बबला है, मेरे तो समझ ही नहीं लगती भाई। तो ये बबला और ये देखो माओ कह रही है मुझे भी बबल डालो ये कहती है मैंने भी खाने कोई चीज़ भी लेके आओ, ये कहती है पहले तो मेरे मुंह में डालो। व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नहीं हुए आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। तो अभी चलती हूँ अपने काम करती हूँ। जी तो व्यूअर्स मैं बुहारी देगी थी मैं कोटा तो मेरा देगी ना। ये देखिए मैंने झाड़ू फेर लिया माशाल्लाह से, साफ सफाई कर ली है, कमरे की सफाई हो गई है माशाल्लाह से। अब मैं ये खिड़कियाँ खोल देती हूँ क्योंकि हवा भी क्रॉसिंग होती है कमरे में, हवस नहीं होती। और ये देखे माशाल्लाह से बाहर का भी माशाल्लाह से माहौल साफ सुथरा नजर आता है और ठंडी ठंडी हवा चलती है, इधर से ठंडी ठंडी हवा आती है। तो इसीलिए व्यूअर्स मैं खिड़कियां खोल देती हूँ क्योंकि कमरे में माशाल्लाह से तो ताज़ा हवा आती है तो सुकून रहता है। तो अभी धोने लगी हूँ बर्तन। जब तक घर में अभी बस झाड़ू ना दें और साफ सफाई ना की जाए तो घर में आपको पता है सुकून ही नहीं आता। घर को साफ सुथरा ही रखते हैं चाहे हम देहाती लोग। और अभी बस कुछ कुछ मैंने औरतें देखी हैं वो अपने घर का साफ सुथरा का ख्याल नहीं रखती, बस जो चीज़ जहाँ पड़ी है वो पड़ी रहती है और जो बर्तन जहाँ पड़े हैं वहाँ पड़े ही रहते। घर के अंदर गाय बांधी हुई है, इधर गोवा पड़ा है, उधर कूड़ा पड़ा है, ये वो बस अल्लाह माफ़ करे। तो वही कह रही हूँ कि चलो गुर्बत तो होती है जैसे कैसे, लेकिन इंसान को अपने घर का साफ सुथरा का ख्याल रखना चाहिए। जी तो व्यूअर्स मैंने घर में झाड़ू फेर लिया था, अब मैं ये देखिए कमरों भेड़ों का कमरा साफ करने लगी हूँ। कहीं मेरे को लो है कदम माए लगी है बुहार यहाँ डेवान, कहीं मेरी लोकी चाह गए साफ करे सा वाला इकू रख देने था ही मायरा ना थाल तो ये कहना चोर मेरे वेच चोड़े पड़ा पड़ा वाले को लो ये हूँ मैं गट्टू दे सारा कुछ पा के तो बाहर वेली पियाँ रूड़ी ते सट्टण ओए अल्लाह सैया ये वक्त ही आउणा होई
के मैंने अपनी सारी बकरियों की जगह साफ कर ली है, सारी जगह साफ हो गई है। इसी तरह से किया करें, मेरे पास कई भी नहीं थी, मैंने झाड़ू से ये देखिए काम लिया और सारे अपनी बकरियों की जगह साफ कर ली है मैंने। आप भी इस तरह से कीजिएगा। वैसे मुझे पता है सारे ही साफ सफाई करते हैं, किसी किसी का घर मैंने इस तरह देखा है, मैं उनसे कह रही हूँ अगर मेरे भी लोग देख रहे हैं। तो अभी जा रही हूँ ये बाहर पूजा सपने के लिए, तो उसके बाद इधर आके था धोए था। तो ये देखिए मैंने सुबह कुछ बर्तन धो लिए थे और यही हैं बर्तन मेरे धोने वाले, कहीं रन दे तब भांड बर्तन है चौधरी धो धो के बूटियाँ पे आती हैं। बर्तन मैंने रख लिए हैं, ये हम देहात में किस तरह से बर्तन धोते हैं वो आज मैं आपसे शेयर करती हूँ। थोड़ा पीछे जो जाओ उधर मंच के ऊपर जाके बैठ जाओ, मुझे भी सुकून नहीं है, कैदा लेके बैठो, कोई ना कोई बहाना हो गए कि पढ़ना पढ़ना हो गई। चल जा ना बेटा है जी। तो ये देखिए हम जब भी हाथ में बर्तन धोते हैं तो इस तरह से धोते हैं, इसमें है साबुन, बर्तन धोने वाला साबुन है, कपड़े हम चपेरे लपेट के बैठते हैं ये ना हो कि ये कपड़े खराब हो जाएं। और शहरों में तो होते हैं हमारी बहनें वो टूटी से धोती हैं, टूटी खोली उन्होंने और जल्दी से बर्तन धो लिए। हम देहाती लोग नलके से नलके पे धोते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए इसी तरह से मैं जल्दी जल्दी से अपने बर्तन से बर्तनों को, ये पहले से धुले हुए हैं इसीलिए अब फिर भी मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए बार फिर से मैं धो रही हूँ, क्योंकि मैं धूल मिट्टी ना पड़ी हुई हूँ, क्योंकि बिकॉज मैंने ये बर्तन धोने वाला व्लॉग आपसे नहीं शेयर किया था और मैंने सोचा हाँ आज मैं अपने व्यूअर्स से शेयर कर लूँ। नलका हम ऐसे करके चलाते हैं, अल्लाह की नेमत है माशाल्लाह से, पानी साफ सुथरा और हमारे लिए इतनी प्यारी प्यारी नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं हमें, जिसका हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है। बर्तन मैंने धो लिए है माशाल्लाह से, अभी जाती हूँ खेतों में जाके बकरियों के लिए थोड़ा सा घास काटती हूँ और उसके बाद आऊंगी अपनी सिस्टर के लिए कावा बनाऊंगी। तो मैंने ये देखिए घास काट के ला के रख दिया है और साथ में ये देखिए ये लकड़ी लिया, रोजाना इसी तरह से मेरी भतीजी ना ये लकड़ी लाके और इसके ऊपर ना घास ऐसे टुकती थी और अब मैं भी ऐसे टुकूंगी, क्योंकि टोका मशीन तो है नहीं, आपको मैंने पहले भी अपने व्लॉग में दिखाया था टोका मशीन नहीं है, इसी तरह से ये लेके कुल्हाड़ी लेके या कोई तब्बर वाली चीज़ लेके उसे ऐसे रख के ऐसे हम घास को काटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई हाथ को जख्म वगैरह तो नहीं आया, खुद ही काटते हैं। तो जिसके पास टोका मशीन ना हो तो फिर ऐसे कर ले, हाथों का ख्याल से हाथों का ख्याल रखना चाहिए जी। तो बिकॉज ये तो काम होते रहेंगे, इसी तरह से मैं ये घास काटूंगी और उसके बाद मैं अपनी बकरियों को जाकर डाल दूंगी, बकरियां के शौक से खाती रहेंगी, घर के काम इसी तरह से चलते रहेंगे। आपको पता है हम औरतें यही घरदारी करनी होती है तो ये काम हमें करने लाजमी होते हैं। बहरहाल चल रहा है निज़ाम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें कीजिएगा। अपना ढेर सा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।